नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बारात लेकर दरभंगा से सहरसा आ रही ऑटो को जलाई ओपी के गरौल चौक के समीप पिकअप वाहन ने ओवरटेक करते हुए जोरदार टक्कर मार दिया, जिस कारण ऑटो पलट गई, जिसमें दूल्हा समेत आधे दर्जन बाराती बुरी तरह से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सभी इलाजरत है। से जिला दरभंगा से तो महीना में पूरा शादी के लिए आबे रहिए, तो वही में 9 आदमी आबे रहिए, 9 आदमी में 6 आदमी के अधिक रूप से घायल छे। वहाँ के समाज के तहत हमरा आर निकल लिए, हमरा आर के जे छे से गाड़ी वाला ओवरटेक क्या के वो पिकअप वाला उ जे छे से हमरा टेम्पू फेंक दिल। कितने आदमी आप लोग घायल हैं? 6 आदमी से। कहाँ से कहाँ बराते जा रहे थे? भरेन से मैना आ रहे थे। लड़का भी घायल है? जी, हम सब आवे रही बराती भरेन टोल से मैना महापुरा से गरौल चौक पर छे से हमरा आर के गाड़ी के धक्का मार दिलके। कौन गाड़ी रहे? हफडलिया गाड़ी रहे। हमे टेम्पू में बैठल रही 9 आदमी, 6 आदमी घायल कर दिल के, 3 आदमी बचल छे, वही में लड़का को भी घायल छे। अभी सदर हॉस्पिटल में सहरसा में हमें आर भर्ती भेल छे। कहाँ से कहाँ बराती जा रहे थे? भरेन गांव से मैना गांव बराती आवेरी। कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अररिया विधायक अबिदुर रहमान ने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अररिया विधायक अबिदुर रहमान ने कार्यपालक अभियंता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अरविंद चौधरी पर 2,200 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने CBI से जांच की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि कार्यपालक अभियंता पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो सड़क पर उतरकर अभियंता के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बात कर रही है, किस तरह से बात कर रही है, हम कितना बर्दाश्त किया है हमारे आचरण के बारे में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और सब बात वो कर सकते हैं लेकिन हमारे आचरण के बारे में कोई भी आदमी हमारा विरोध नहीं कर सकता। और जहां तक वो बात है, हमने कितना बर्दाश्त किया उसकी बात को आप निकाल के देखिए, समझिए उसका जो आवाज अल्फाज जो है। हमने ही कहा कि अल्लाह के वास्ते हमें माफ करो, हम ये सब में पढ़ते भी नहीं, ये टेंडर का काम, स्टडी मेरा काम है, और एलियो काम में किस तरह टेंडर देना लेना यह काम हमारा नहीं है। जो लोग हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ सब तक है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ई रूरल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा निसियावा पंचायत के शर्मा गांव सहित कई गांव में छिड़काव किया गया, जिसका उद्घाटन मसौढ़ी प्रखंड प्रमुख रामाकांत रंजन ने किया। वही मौके पर फाउंडेशन के राजेश कुमार राही, सुपरवाइजर उदय कुमार सहित छिड़काव कर्मी मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों ने जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को आवेदन भेजकर वर्तमान बिहार शिक्षक नियोजन में CTET में चयनित अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने की मांग की है। चयनित अभ्यर्थियों ने अररिया के समाहरणालय परिसर में हाथों में तख्ते लेकर नाराजगी जाहिर किया है। वही एकजुटता दिखाते हुए चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार को खुली तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार उन्हें मौका नहीं देगी तो आमरण अनशन करेंगे। आवेदन करने के लिए मांग रहे हैं, जब समानता का अधिकार है तो समानता अधिकार यही कहता है जिस तरह से जुलाई सीटेट पास है उसी तरह से दिसंबर भी पास है, वो भी मतलब DLED किए हैं, उसी तरह से हम लोग को भी इसमें मौका दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को सरकार तक पहुँचाए और ये बात को आवाज़ उठाए और हम लोग को न्याय दिलाते हैं। पटना हाईकोर्ट का जिस समय जजमेंट आया था NIS को लेकर के, वो जनवरी में आया है और हम लोग टोटल अर्हता को पूर्ण करते हैं दिसंबर में। उसी तरह से जितने भी दिसंबर में सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि टोटल जो भी अर्हता रखते हैं सबको इस नियोजन में मौका लेने के लिए दिया जाए। और 2012 के उसमें लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि तक, तो कहने का मतलब यही है कि जब आवेदन अभी शुरू हो रहा है तो इस समय हम लोग को मौका दिया जाना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं क्योंकि आज बिहार में इतना बेरोजगारी है कि जिसको देखते हुए और डोमिसाइल नीति जो है उस पर सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है। इतने सीटों के अंदर में हम लोग आ रहे हैं, मात्र हम लोग 4,000 से 4,500 की संख्या में हैं, तो आप लोगों के माध्यम से मैं CM सर को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो व्यथा है, जो हम लोग दुविधा से गुजर रहे हैं, उनको देखते हुए हमें भी अलाउ किया जाए
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग आगे कोई ठोस कदम उठाएंगे, हम लोग सचिवालय जाएंगे, हम लोग जहां तक जा पाएंगे वहां तक घेराव करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो हम लोग भी झेल रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि बांका में जो है एक हमारे मित्र जो हैं जो कि सीटेट पास थे, इस सूचना के बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं हमारे ज़िले में, ज़िले ही नहीं हमारे पूरे राज्य में इस तरह के कई अभ्यर्थी हैं। कल अगर कुछ भी होता है उनकी सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार को जाएगी। जाप के प्रदेश कोषाध्यक्ष के नेता रहमत अली ने अररिया जिले के नरपतगंज स्थित जाप कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जाप नेता रहमत अली ने कहा कि इस महामारी ने दोनों सरकार की पोल खोल कर रख दी है। इस महामारी में मजदूर भूख से मर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवासी मजदूर और क्वारंटीन सेंटर के नाम पर घोटाला किया गया है। कोटा से छात्रों को लाना, अब बताइए कि बिहार सरकार का काम था दिल्ली से मजदूरों को लाना, लेकिन किस तरीके से आप लोगों के सामने है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा दिन रात मेहनत किए, लोगों सैकड़ों बसे हैं, दर्जनों ट्रेनें अपने खर्चे से चलाए उन्होंने, और आज भी पटना मीठापुर बस स्टैंड में जाकर देखिए प्रवासी मजदूर के लिए खाना पीना और उसे घर भेजने का सारा जिम्मा जन अधिकार पार्टी उठाए हुई है। और सरकार में हम नहीं है, लेकिन सरकार जैसा काम करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमें स्वीकार करेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या इस मरतबा नरपतगंज से आपकी उम्मीदवारी है क्या? नहीं, ये अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब समय आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। जो आला कमान का निर्देश होगा उसका पालन किया, हम तो सिपाही हैं जन अधिकार पार्टी का, जहां से लड़ा दे या न लड़ाए, लड़ाए तो भी पार्टी लड़ेगी, नहीं लड़ाए तो भी हम लड़ेंगे, हम तो हर जगह लड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नरपतगंज हो, फारबिसगंज हो, सिकटी हो, अररिया हो, या बेगूसराय हो, या पटना हो, जहां से पार्टी को लगे, क्योंकि हारे पूरे बिहार हमारे साथ है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं और लड़ते रहेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पटना से चुनाव लड़ रहे हैं, मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि पूरा बिहार में हर जगह लोगों का डिमांड है, जहां भी होगा वो आला कमान। मुदिहारी में कोरोना का कहर अब भी जारी है। बता दें कि नगर थाना के 11 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब यह महामारी अपने चरम पर पहुंच गया है। कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में दिन रात काम करने वाले ये पुलिसकर्मी अब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। संक्रमितों में नगर थाने के 3 ASI के 1 चालक, 1 डेटा ऑपरेटर और 6 सिपाही कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इन सबके बीच पूरे थाने को सील कर दिया गया है और सभी लोगों को थाने में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। हाँ, मैंने सैंपल भेजा था थाना के लोगों के, वो लोग आए थे कि हमारा जांच कराया जाए, तो जांच का रिपोर्ट आया है जिसमें पुलिसकर्मी लोग पॉजिटिव पाए गए। कितने पुलिसकर्मी हैं सर? 10 है और एक बगल का एक दुकान वाला, 11। टोटल 12 का आया? नहीं, 11, 10 वो और एक और सामने का दुकान। सबको क्वारंटाइन का भी कोई आया है क्या सर? संग्रामपुर का भी नहीं आया है, संग्रामपुर का पहले टूनेट से आया था। हाँ, टूनेट। इन लोग का जांच कहाँ से हुआ है? टूनेट से हुआ है या इन लोग का टोटल RT-PCR से टेस्ट हुआ है? तो इन लोगों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा? नहीं, वहाँ पर एक्चुअली थाना में ही लोग को क्वारंटाइन कर देंगे, सारे लोग वहाँ पर है तो होम क्वारंटाइन कर देंगे और उसी एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देंगे, उसी के अंदर वो लोग रहेंगे और कन्फाइंड रहेंगे। रोहतास के डेहरी ऑन सोन के सोन नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। घटना डालमिया नगर के मकराइन की है। इस हादसे में 11 वर्षीय छात्रा प्रियंका और 8 वर्षीय छात्रा खुशी की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों शौच के लिए घर से निकली थी, इसी बीच सोन नदी के पानी में दोनों बच्चियां डूब गई। बता दें कि मकराइन के पास अवैध रूप से सोन नदी से बालू की निकासी के लिए बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं, जिन गड्ढों में पानी भरा रहता है। लोगों को यह एहसास नहीं होता कि नदी किनारे में अचानक बड़े गड्ढे हैं, जिस कारण ज्यादातर लोग डूब जाते हैं। आए थी खेल, रोज हम लोग आते थे खेलने, लेकिन पता नहीं 3:30 या 4 की आ चुकी थी, और इधर पता नहीं कर क्या रही थी, और किनार पर फिर बाद में पता चला कि वो डूब के मर गई है। इसका कौन है? वो मेरी सिस्टर है। कितने लोगों की मौत हुई है यहाँ पे? यहाँ पे 2-3-4 लोग की हुई है। आज कितने लोग की मौत हुई है? आज 2 लोग की हुई है।
उधर सासाराम में वज्रपात से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। घटना अग्रेट थाना क्षेत्र के नेकरा की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई अपने घर के पास ही बारिश के कारण एक पेड़ के नीचे छुप गए थे। इसी बीच तेज आवाज के साथ वज्रपात हुआ जिसमें दोनों भाई झुलस गए। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। मौत हुआ है। बड़े भाई का लाल बाबू नाम है, छोटे भाई का प्रदीप कुमार। कितना उम्र है उन लोग? ये बड़े वाले का 38 साल और छोटे वाले का 25-26 के लगभग है। अच्छा अच्छा, कहाँ की घटना है, कौन गांव की? नेकरा का। कैसे हुआ है घटना? ये बिजली गिरने से। क्या कर रहे थे लोग? अभी तो गाड़ी लगा के तुरंत खड़ा हुए हैं जब तक बिजली गिर गया। अच्छा अच्छा, तब तब तक एक्सपोर्ट पे मौत हो गई। वहीं सब लोग आए हैं, हम लोग घर से आए तो देखे यहाँ पड़ा हुआ पूरी। अच्छा, उनके पिताजी कौन? उनका पिताजी का नाम स्वर्गीय प्रयाग सिंह, मर गए हैं वो भी। क्या करते थे दोनों भाई? दुकान था, एक का फैब्रिकेशन का दुकान, एक किराना का दुकान। कहाँ? नेकरा में था और साइड फील्ड में काम करते थे। आपका क्या नाम? राकेश कुमार। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आरक्षण के विरुद्ध टिप्पणी पर पूरे देश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर उपजे असंतोष के तहत फतुहा के महारानी चौक पर सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता लोजपा के दलित सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप पासवान ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भाजपा के भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर विजय ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, इससे बार बार छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार से मांग किया है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब नीचे कीजिए ना, आपको दिक्कत नहीं है? बिना लोगों को नीचे नहीं बनता है क्या? सब ऐसे आज का कार्यक्रम क्या? देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण के विरुद्ध टिप्पणी की गई है, उससे पूरे देश में उबाल है। और बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दायित्व का गलत इस्तेमाल करते हुए क्या आरक्षण के साथ बार बार साजिशन छेड़छाड़ की जा रही है, इसके खिलाफ आज हम लोग यह इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय को आगाह करना चाहते हैं कि आपकी जो कुत्सित प्रयास चल रहा है यह कभी कामयाब नहीं होगा। और देश में इसके माध्यमों से आप जो गृह युद्ध की स्थिति बना रहे हैं, ये देश के लिए उचित नहीं है। और आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है। ये पुनः पैट का सीधा साधा उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग। और आरक्षण से जो छेड़छाड़ करेगा, निश्चित रूप से उसके खिलाफ पूरे देश के वंचित वर्ग एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। और जैसा कि देश में सरकार है, आप पहले भी कई बार साजिश कर चुके हैं, आपने देखा होगा 2 अक्टूबर का परिणाम आपके सामने होगा। आपने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की बात की, आंदोलन हुआ, सरकार ने आपका साथ दिया है। 2 अक्टूबर को आपने आरक्षण समाप्त करने की बात कही थी, उसके खिलाफ 2 अक्टूबर को पूरे देश में आपके आंदोलन हुआ। उससे बड़ा आंदोलन आज तक न कभी हुआ है और आगे जो होगा वही आरक्षण के कारण ही होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि ये जो बार बार नाटक किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर, सरकार इस पे इमीडिएट पहल करे और इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे, ताकि आरक्षण के नाम पर जो बार बार ड्रामे किए जा रहे हैं, यह ड्रामा का पटाक्षेप हो और आगे देश खंडित और विखंडित होने से बच जाए। मोतिहारी के सुगौली में छंगराहा के समीप तेज रफ्तार से जा रही बाइक गड्ढे में पलट गई, जिससे बाइक के पीछे बैठे युवक के गिरने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक नरकटियागंज का अरुण कुमार बताया जा रहा है। वही घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने घंटों छपुआ मोतिहारी राजमार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशितों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के करीब 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। चौकीदार आया, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सुगौली विधानसभा स्तरीय प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल की उपस्थिति में वरिष्ठ भाजपा नेता राम गोपाल खंडेलवाल के आवास पर संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई है। वहीं पूर्व मंत्री व विधायक रामचंद्र सहनी ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए कमर कस लेने का आह्वान किया है। कौन सा ये कार्यक्रम था? आज संपर्क में निकले थे और सभी हमारे जो भी शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं उनके साथ जो पंचायतों में जो संपर्क कर रहे हैं उसी के बारे में सभी कुछ अपना आपस में वार्तालाप हो रही थी जी। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।